नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एएसटी न्यूज़ दिल्ली से। उत्तर प्रदेश से आ रही बड़ी खबर, रिपोर्टर प्रमोद कुमार गर्ग। वृद्ध की गला रेतकर हत्या, घर में नग्न अवस्थाओं में चार पाई पर पड़ा मिला शव। मृतक की दो पत्नियां थी, पहली पत्नी के बेटे ने सौतेली मां पर हत्या की आशंका प्रकट की। वृद्ध की उसी के घर में धारदार हथियारों से गला रेतकर तथा सिर पर किसी भारी वस्तु से प्रहार कर हत्या कर दी गई। उसका शव नगर अवस्था में उसी के घर में चारपाई पर पड़ा मिला। सूत्रों से मिली जानकारी किस प्रकार के वृद्ध की हत्या, पुलिस जांच में जुटी है। देखते हैं क्या होता है आगे। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें पूरी खबर, क्या है पूरा मामला। 11-12 बजे के बाद ये कंफर्म नहीं कि उस टाइम में कहीं गया था, मेरे पीछे आया। रात को लेट आया था घर पर, आने का मैंने खाना नहीं खाया, मैं सो गया। हाँ मिस्टर सर, क्या घटना हुई है? सर, हमारे पापा रात यहाँ पर आए थे, उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा खाना दे दो, तुम्हारी तरफ पल्ली तरफ हमारी मम्मी आई है दूसरी वाली। तो आप कहाँ रहते हैं? हम सर बाहर मेन रोड पर रहते हैं, गली के बाहर। अच्छा, ये कौन सी कॉलोनी है? ये बेटा हाजीपुर। अच्छा, नोनी गाँव से। क्या हुआ, मतलब किस तरीके की घटना का आपको पता चला? तो सर, हमें रात पापा यहाँ आगे खाना लेकर, मैंने मालूम उसके बाद क्या हुआ। हम यहाँ सुबह आए, पापा का फ़ोन मिलाया, पापा का फ़ोन स्विच ऑफ था, तो नॉर्मल था। बस हमें लगा चल बोलता है डाउन हो रहा फोन, खुल जाएगा थोड़ी बहुत देर। जब उनका 2 बजे तक फ़ोन नहीं खुला तो हमें थोड़ा अजीब सा लगा कि इतना लेट हो गया, पापा फ़ोन स्विच ऑफ नहीं करता। फिर मैंने अपने छोटे वाले भाई को यहाँ पे भेजा देखने के लिए, मैं देख के आओ पल्ली तरफ हमारी ताई आई हुई है, बहुत ज़्यादा तबियत खराब हुआ, सो रहे हो। तो यहाँ पर आया तो यहाँ आप सारी कंडीशन थी पापा की, हमारी और पापा किसने ताई ने किस पे शक लग रहा है सर? हम अपनी ताई पे शक लग रहा है। ताई हमारी पापा की जो सेकंड वाइफ है। अच्छा, क्या कारण है, मतलब हत्या का आपको क्या लग रहा है, किस वजह से? सर, वो प्रॉपर्टी भी कह सकते हो आप इसको, क्योंकि वो अक्सर कहती थी कि मकान मेरा नाम करो, हमारे दिल्ली में एक मकान है, कहती उसमें मुझे हिस्सा दो। वो फिर इनका आपस में मतलब घरेलू झगड़ा रहता था छोटी छोटी बात से। शादी कब हुई थी अपने पापा की? पापा की शादी सर आपसे 9-10 साल पहले। पापा की उम्र कितनी है आपकी? पापा की उम्र आपकी है 63 है। और आपकी जो माता जी दूसरी की क्या उम्र? उनकी 45 है। ये कहाँ रहती हैं फिलहाल, जो आपकी जो ताई हैं कहाँ रहती हैं फिलहाल? ताई रहने वाली हमारी इचोली की हैं, वो हमारे गाँव की हैं, बिरादरी से वो शेख हैं, हम मलिक हैं। और मेरठ में उनका घर है जहाँ उनके भाई और चाचा वगैरह रहते हैं। तो आपने संपर्क करने की कोशिश किया उसके बाद में ताई से? मैंने ताई को 2 बजे फ़ोन किया जब पापा का फ़ोन स्विच ऑफ गया, मैं पापा कहाँ हैं, तो उन्होंने बोला, तो उसके लिए मुझे गाँव आना पड़ा और मैं यहाँ से थोड़ा सामान वगैरह अपना निकलवा लिया, उनसे इतनी बात हुई मेरी। फिर उसके बाद मैंने छोटे भाई को चेक करने के लिए भेजा, मैं देखता पापा क्या बात है, वहाँ है या नहीं है या कहीं गए हैं। तो फिर छोटा भाई आया, फिर उसने आगे मुझे जानकारी दी कि ऐसे ऐसे पापा का किसने गला काट लिया। इस घर से कुछ सामान या कुछ ऐसी चीज़ें गायब है? नहीं सर, उस चीज़ पापा का फ़ोन गायब है, पापा का हमारा फ़ोन भी सही, पापा का फ़ोन बस स्विच ऑफ जाना, शायद जो जिसमें बर्तन एक व्यक्ति की हत्या की सूचना मिली, पुलिस टीम यहाँ पहुँची है। और पहुँचने के बाद पता चला कि हाजी बिलाल नाम का जिसकी आयु 63 वर्ष के लगभग बताई जा रही है, उसकी गला काटकर और सर के पिछले हिस्से हमला करके मार करके और उसकी हत्या कारित की गई। मौके पर जो प्रथम दृष्टया परिजनों से पूछताछ में मामला प्रकाश में आया, उसके आधार पर इनका बताना है कि ये अपनी दूसरी पत्नी के साथ यहाँ रात में मौजूद थे और उसी के ऊपर इनके परिजनों द्वारा शक जाहिर किया जा रहा है, तो उसी के द्वारा संपत्ति विवाद में इसकी हत्या कारित की गई है। परंतु अन्य साक्षियों के अवलोकन के लिए CCTV आदि जो भी है उसका DVR वगैरह ले लिया गया है और फील्ड यूनिट की टीम भी बुलाई गई है। फील्ड यूनिट की टीम गहनता से मौके का साक्ष्य संकलन करेगी और जो भी इसमें तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अपनी कार्रवाई करके इस
मामले में शीघ्र तरीके से हत्या कारित करने वाले को और उसे उचित सजा दिलाएंगे। सर, हत्या का क्या कारण है? शुरुआती जांच में हत्या का मोटिव जैसा कि हाजी बिलाल के भाई उनके द्वारा जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो संपत्ति विभाग की चीज़ें आ रही हैं, इसलिए कि इस घर को लेकर जो इनकी ताई अर्थात इनकी जो दूसरी मम्मी है और इनके पिताजी में अक्सर लड़ाई झगड़े।